वालेकुम तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा सर्जरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कर सीसा, और आज हम हैं ज़ियारत औलिया इकराम में कम्बाद की सरजमी पे, जहां सहाबाए अंसार के दरबार की ज़ियारत भी की और यहां का नूरानी मंजर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का हमारा सफ़र कम्बाद की सरजमी से है, जहाँ सहाबाए अंसार से लोग जानते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो सहाबी रसूल जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, वो सहाबी रसूल को इन्होंने देखा है, इसलिए लोग इनको कहते हैं सहाबाए अंसार। वैसे तो इनका लकब ताबईन है, क्योंकि सहाबी रसूल को जो देखते हैं उसको ताबईन कहा जाता है। तो ये कम्बाद की सरजमीन खुश नसीब सरजमी है, जहाँ सहाबाए अंसार से ताबईन आराम करते हैं। कदीम ज़माने से तकरीबन 1200 साल पहले कम्बाद की सरजमी पर तशरीफ़ लाए थे। तो इस तरह से आज का हमारा सफ़र कम्बाद की सरजमी से है, हमने ज़ियारत की, और हमारे साथ आने वाले ज़ाहरीन जितने भी आए उन सब ने जहाँ हाज़िरी दी, और हाज़िरी देने के साथ सब ने दुआएँ मांगी, क्योंकि ऐसा दरबार सहाबाए अंसार का दरबार जिस दरबार में आज हमारी हाज़िरी हुई है, वैसे भी अगर देखने जाए तो कम्बाद की सरजमी खुश नसीब सरजमी है, क्योंकि यहाँ हज़रत सैयद बदीउद्दीन उर्फ़े ज़िंदा सा मदार गुजरात की सरजमीन और कम्बाद की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती 14 लुक्मे खिलाए थे और जन्नती पहरन पहनाया था। तो ये कम्बाद की सरजमी से आज का हमारा सफ़र है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान।